व्यक्ति को आप भगवान नहीं कह सकते और उसको भगवान के समान स्वीकार नहीं कर सकते, तो मंदिर में होने वाली घुसपैठ को आप कैसे रोकेंगे? पंडित जी चर्चा कर रहे थे ना, अनेक मूर्तियां होती हैं, ठीक है व्यापार का तरीका होगा, लेकिन यदि आकृति बदल गई तो उनको भगवान तो फिर आप नहीं मान सकेंगे। समस्या आ गई, ना द्रव्य भगवान है ना आकृति भगवान है, तो भगवान का स्वरूप है क्या? अभी तक एक बात स्पष्ट हुई है, संख्या एक है बस। और माता जी थोड़ी देर पहले कह रही थी, अथवा वहां से भी एक महाशय जी ने कहा था, बोले कि जी वैसे नहीं दिखाई देता, बस आनंद आता है। अच्छा, आपको पता है सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद के सामने प्रश्न उठाया पूर्व पक्षे, बोले आप ईश्वर ईश्वर करते हो, ईश्वर की सिद्धि कैसे मानते हो? स्वामी जी कहते हैं, बोले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, अर्थात ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। थोड़ा विचित्र लग रहा है, अभी तक तो यही सुनते रहे, दिखाई तो देता नहीं, दिखेगा तो रूप भी पता चलेगा, पर स्वामी जी तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष होता है, तो अब क्या करोगे? कुछ लोग तो समाधान ऐसे कर लेते हैं, बोले जी गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणों से गुणी का अनुमान करते हैं, तो ईश्वर आपका प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, आपका तो अनुमान ही हुआ ना। आपने ईश्वर का भले ही सृष्टि रचना रूप गुण देखा हो, पर अनुमान ही किया ना, प्रत्यक्ष कैसे होगा? कैसे मान जाएंगे कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अथवा ईश्वर का क्या स्वरूप है? अच्छा एक बात पूछते हैं, आपके घर में परिवार में अन्य भी तो सदस्य हैं ना, और वो कहीं पीछे से दूसरे कमरे से आपसे बोलते हैं, कुछ आपको आवाज दें, बुलाना चाहें, कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं ना, और जब वो कहते हैं तो आपको कितने ज्ञान होते हैं जी? प्रश्न नहीं समझे जी? आवाज से क्या पता चलता है? एक है, ठीक है, और ये भी पता चलता है कौन है, बेटे ने आवाज दी के पिता ने दी के भाई ने दी के पति ने दी के पत्नी ने दी, पता चलता है ना जी। और इतना ही नहीं चलता, ये भी पता चलता है कहे क्या रहे हैं। कई बार तो आपको नाम से बुला रहे होते हैं और कई बार आपसे काम ही कह रहे होते हैं कि वहां से आना, तो ये करके आना, समझ रहे हैं। गुण आपने एक ही देखा, शब्द गुण देखा है, शब्द ही तो सुना ना आपने, शब्द गुण है, पांच प्रकार के गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और आपने एक गुण शब्द को जाना, और एक गुण से आपको गुणी का भी बोध हुआ, गुण में क्या बात कही जा रही है उसका बोध हुआ, गुण को कहने वाले व्यक्ति की संख्या का बोध हुआ, और गुण आपको किस लिए प्रेरित कर रहा था, अथवा एक व्यक्ति है, पुरुष है, स्त्री है, जो जो भी उसकी विशेषताएं हैं उस शब्द को करने वाले की, उन सब का आपको बोध होता है। ठीक इसी प्रकार से आप संसार में किसी भी मनुष्य को देखें और किसी भी पदार्थ को देखें, तो आपको पता है दो चीज का बोध होता है। एक, ये पदार्थ बना हुआ है, इसमें कोई आकार विशेष है, जो महाशय जी कह रहे थे ना कि संसार के जितने भी रूप हैं वो आपको दिखता है, भाई पहाड़ है तो त्रिकोण आकार का है, जल है तो कोई स्थिर आकार नहीं, बहता हुआ तरल सा है, दिखता है ना, सूर्य कुछ गोल सा दिखता है, चंद्र कुछ गोल सा दिखता है। एक तो आपको रूप दिखता है, रूप आपने देखा, रूप एक गुण है, और इसी के साथ ये तो पता चला कि ये अमुक पदार्थ है, साथ साथ क्या पता चला, ये पदार्थ किसी ने बनाया है। तो ये जो दोनों चीजें आपने देखी हैं, इसके लिए आपने किसी अतिरिक्त चीज को नहीं देखा। आपने यदि शब्द देखा था तो आपको शब्द से शब्द करने वाले का पता चल सकता था, ये तो नहीं पता चल सकता था शब्द क्या कह रहा है। मान लीजिए शब्द में कहा आओ, तो आप कहते हाँ पता चल गया जी, मेरे पुत्र ने कहा है आओ, और बैठे रहते, काम चल सकता था क्या? फिर आपको क्या लगता है, बोले नहीं, दोनों बातें हैं, एक तो ये भी पता चला है पुत्र ने कहा है, और एक ये भी कहा है कि जाना है, और फिर आप चलते हैं। ठीक इसी तरह से संसार के पदार्थों को देखकर आपको दो चीजों का प्रत्यक्ष होता है, एक उस पदार्थ का और एक उस पदार्थ के रचनाकार का, ये दो प्रत्यक्ष हैं। इन दोनों प्रत्यक्षों से, जैसे आप मेरे को देखते, आप कहते हैं ना जी आपका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, पर क्या सचमुच आप मेरा प्रत्यक्ष कर रहे हैं?
संशय तो नहीं लगता ना जी, बोले सीधी आंख से देख रहे हो, पर आप क्या देख रहे हैं? अधिक से अधिक मेरा रूप, आकृति, मैं बैठा हूं, बनावट। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ शब्द सुन रहे होंगे, पर किसी को पता है मेरे में गुस्सा कितना है? नहीं पता ना। अच्छा, मेरा वजन कितना होगा? कुछ तुक्के से अनुमान कर सकते हैं, पर आपका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। मैं ठीक ठाक पहलवान होऊंगा या बहुत पतला दुबला कमजोर होऊंगा, शरीर को देख के भी आप अनुमान करेंगे, आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। मेरी गति कितनी होगी, कितना दौड़ सकता हूँ, कितनी देर बैठ सकता हूँ, क्या मेरा सामर्थ्य है, शक्ति है, कुछ भी। और फिर भी आप ये कह देते हैं, बोले जी आपका प्रत्यक्ष किया, आप मेरे इतने बड़े शरीर में से एक गुण रूप को देखते हैं, आकृति को देखते हैं, और दूसरा गुण मेरा शब्द सुनते हैं, मात्र दो गुणों से आप ये कह देते हैं मैंने आपका प्रत्यक्ष किया। ये ऐसा हो गया जैसे आपके शरीर में 10 लाख कोशिकाएं, मान लेते हैं थोड़ी देर को, है थी तो करोड़ों अरबों में है, पर 10 लाख यदि मान ली जाए और आप दो कोशिका को देखें और कहें बोले जी मैंने प्रत्यक्ष कर लिया। कोई पूछे जी जितना नहीं देखा उसकी संख्या, बोले वो तो बहुत बड़ी हो गई, तो बोले देखा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखा और कहते यो प्रत्यक्ष कर लिया। वहां ऋषि दयानंद एक शब्द बहुत स्पष्ट कहते हैं कि केवल गुणानुवादों के द्वारा हम लोग इस बात का अनुमान करते हैं कि ये गुण किसके हैं। अदृष्ट व्यक्ति के संबंध में भी आप पूज्य बुद्धि रखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे, आज उनका नाम लिया जाए तो बोले हाँ जी ठीक आदमी है। और ये कहने वाले वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री को आमने सामने कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना, प्रत्यक्ष नहीं है आपका, पर उनकी चर्चा सुन के और यह जानकर कि वही राष्ट्र के लिए कैसा काम करता है, आपके मन में उसके लिए पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, सम्मान का भाव। इसे कहते हैं गुण का अनुवाद। आपने एक व्यक्ति के गुण सुने और वो सुने भी कैसे, अनुवाद, पीछे से किसी ने कहे हैं, उसने खुद नहीं कहे, वो तो जो कहता होगा जहां कहता होगा, लेकिन जिसने उसको सुना वो आपको बता रहा है, वो अनुवाद कर रहा है। उस गुण के अनुवाद के द्वारा भी आप स्वीकार कर लेते और व्यक्ति के संबंध में पूज्य बुद्धि रखते हैं, तो ईश्वर के संबंध में ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को न देखते हुए, अमेरिका आदि दूर देशों को न देखते हुए भी आप उन्हें स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर को क्यों नहीं कर सकते? तो ये गुणानुवाद ऐसी विधि है जिसमें गुणों के प्रत्यक्ष से आप गुणी का प्रत्यक्ष करते हैं, अनुमान नहीं। जैसे मेरे कुछ गुणों को देखकर आप प्रत्यक्ष अनुभूति मानते हैं, ठीक ऐसे ही परमेश्वर के रचना रूप प्रत्यक्ष को देखकर आप परमेश्वर की उपस्थिति मानते हैं। तो ये एक तरीका है परमेश्वर के स्वरूप को जानने का, अर्थात वो परमेश्वर करता क्या है, उसकी क्रिया, उसके प्रभाव को देखकर आप परमेश्वर के स्वरूप का पता करते हैं। ये तो बात थोड़ी सी युक्ति और तर्क की थी, खाली सोच विचार की थी, लेकिन केवल सूखे तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं होती। किसी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण, कसौटी आवश्यक है। और जब चर्चा ईश्वर के स्वरूप की हो तो हमारे सामने दो प्रसिद्ध शास्त्र हैं, एक जिसे आप योग दर्शन कहते हैं और दूसरा जो पूरा का पूरा ईश्वर के लिए समर्पित है, उसे कहते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का तो प्रारंभ पता है कैसे होता है, वो कहता है पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलिए ईश्वर की जिज्ञासा करते हैं। वहां स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने भाष्य किया, रोचक शैली में लिखते हैं, बोले क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी है। महर्षि मनु ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो कहते हैं इदम शरणमज्ञानम इदमेव विजानताम इदम अन्विच्छताम स्वर्ग्यम इदम आनंद्यम इच्छताम। शब्द सरल है, संस्कृत से घबराना नहीं। देखिए महर्षि मनु एक बात कह रहे हैं, बोले इदम शरणम अज्ञानम, जो अज्ञानी है, जानता नहीं है, उसकी भी यही शरण है। पंडित जी को पता नहीं है मंदिर में यह भगवान है या नहीं, लेकिन उसी का सहारा लेते हैं। और आपका भी कोई काम मंदिर में बन जाता है तो आप ये सोचते हैं कि हाँ इसी के कारण बना है, गलत होगा तो होगा, मुझे क्या लेना, मेरा तो काम इसी से बना ना। मंदिर में जाके काम बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं,
लेकिन मंदिर में जाने से ही काम बनेगा यह संदिग्ध है। क्योंकि यदि केवल मंदिर में जाने से काम बनता तो आपको केवल मंदिर में ही जाना था, बाहर आकर प्रयत्न नहीं करना था। पर यदि आपने बाहर प्रयत्न किया है और काम बना है तो आपके प्रयत्न का भागीदार वो आप स्वयं हैं, उसका फल आपका है, उसका दायित्व मंदिर में ठहरी हुई मूर्ति को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अन्वय व्यतिरेक का एक नियम बनाया, वो कैसा? बोले भाई ऐसा है, कोई चीज़ समझनी है तो सारी परिस्थितियों को जोड़ लीजिए। सबके होने पर कोई चीज़ बन जाती है तो ठीक, और उसमें से एक भी नहीं रहे तो नहीं बननी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये मान लेंगे कि इसी से ये बात सिद्ध होती है। तो यदि मंदिर में जाने से काम बनता है तो सबका काम बनना चाहिए ना? और आप में से कितनों का बनता है जी? अच्छा, जो जाते हैं उनमें से कितनों का बनता है, और जो जाते हैं जिनका बनता है उनके कितने काम बनते हैं, ये भी सोचने की बात है। और यदि आप मंदिर में जाकर ये प्रयत्न करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे दुखों से दूर कर लेना, तो ये निश्चित मानना पड़ेगा कि आपको फिर कोई भी दुख नहीं रहने चाहिए। अगर एक भी रहा ना, तो फिर ये मानना पड़ेगा मंदिर में जाने से पूरी बात नहीं बनती। फिर काम बनाने वाला दूसरा कारण खोजना पड़ता है। मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग आदि हो जाते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, औरों की बात क्या, पंडित जी को ही हो जाती है। केदारनाथ में एक बड़ी रोचक घटना हुई। हमारे यहीं राजस्थान के एक सज्जन थे, वो दर्शन करने चले गए और पुजारी जी से बोले कि मैं बहुत वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ, अब जाके मेरा नंबर लगा है, इसलिए मुझे धैर्यपूर्वक दर्शन करने देना, 3-4 मिनट कम से कम देखूँगा। वहाँ स्थिति कैसी है, भीड़ बहुत लगती है, तो अगर आप दर्शन करते हुए अपनी जेब में हाथ डाल रहे हैं तो कदाचित पुजारी रुक जाएगा, पर अगर जेब में भी हाथ नहीं जा रहा है तो फटाक से गर्दन पर हाथ आता है, चलिए आगे, दूसरे का क्रम है, चलिए आगे। तो जब उसने ऐसा कहा और वो मूर्ति के सामने था तो पुजारी ने वैसा ही गर्दन पर हाथ रखा और चलिए आगे। और कहता है, बोले 2 मिनट में परमेश्वर के दर्शन करेगा, मुझे 32 साल हो गए खड़े खड़े, आज तक कुछ दिया नहीं, तुझे 2 मिनट में क्या दे देगा। आप जानिए, ये वास्तविक तत्वबोध पुजारी के पास है, उसको पता है इससे नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने वाले को वो यही बहकाता है कि नहीं, इससे हो सकता है। और यदि आपको ये लगता हो कि मंदिर में जाने से काम बन जाता है, तो हमारा एक निवेदन है, आप हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र लगा देना, हमें तो लगाना आता नहीं। आप उनसे कहना, भाई इस देश की जरा दशा सुधार दे, थोड़ी दुर्दशा में जा रहा है, और फिर हम प्रतीक्षा करेंगे कि जो आप अत्यंत योग्य मंदिर में काम बना लेते हैं, प्रार्थना पत्र लगाना जानते हैं, तो आपकी अर्जी वो सुन लेता है या नहीं सुन लेता, आपका और मेरा हम सबका वो प्रत्यक्ष हो सकेगा। मैं आपसे चर्चा कर रहा था प्रमाण की, कि हम क्यों मान लें ईश्वर है अथवा कैसा है, तो चर्चा हुई कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, चलिए ईश्वर के स्वरूप का विचार कर लेते हैं। मेरे समय का संकेत कीजिएगा, कितना बचा है, 2 मिनट 3, ठीक है, शीघ्रता से समाप्त करता हूँ। योग दर्शन के ये पहले 4 सूत्र चतुःसूत्री पूरे दर्शन को और ईश्वर के स्वरूप को, उसके अस्तित्व को बताते हैं। ब्रह्म मुनि जी लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति रोग में होता है, शोक में होता है, अथवा भोग के पश्चात की स्थिति में होता है, तो केवल 3 कारणों से ही ईश्वर का विचार जिज्ञासा करता है। इन 3 में से एक भी नहीं हो तो संसार में लगा रहता है और ईश्वर की जिज्ञासा नहीं कर सकता। और मैं महर्षि मनु के श्लोक से बता रहा था कि अज्ञानी व्यक्ति की वह ही शरण है, इदमेव विजानताम, जो अच्छे से ईश्वर को जानता है, ध्यानी है, साधक है, उसके लिए भी वह ईश्वर शरण है। इदम अन्विच्छताम स्वर्गम, जो स्वर्ग की लौकिक सुखों की कामना करता है, उसके लिए भी परमेश्वर शरण है। और इदम मोक्षम इच्छताम, जो मुक्ति की कामना करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला है, उसके लिए भी ईश्वर ही शरण है। और गीता में इसी बात को भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः, कि जो दुखी है आर्थ है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, जो अर्थार्थी है, किसी पदार्थ को संसार में चाहता है,
बोले ये चार ऐसे हैं, ये मेरे भक्त हैं, अर्थात ये ईश्वर को भजते हैं, ये ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब तक आप दुखी नहीं होंगे, जानने के इच्छुक नहीं होंगे, आपको अपने ज्ञान की गरीबी का अनुभव नहीं होगा, आप संसार के पदार्थों को नहीं चाहते होंगे और आप अत्यंत ज्ञानी होने से मुक्ति को नहीं चाहते होंगे, तब तक आप ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकते। ये ईश्वर के स्वरूप को समझने की प्रारंभिक शर्तें हैं। ईश्वर का स्वरूप तो पंडित जी बहुत सारा बता रहे थे, एक है, और आर्य समाज का दूसरा नियम आप सबके सामने है ही, आप उसको देख लीजिए। आकार की चर्चा मैंने की, उस पूरे वाक्य में से, आर्य समाज के दूसरे नियम में से केवल निराकार शब्द पर आपके सामने चर्चा की है कि परमेश्वर का आकार हो सकना संभव नहीं, क्योंकि आकार तार्किक नहीं है, शास्त्र से अनुमित नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर निराकार तो स्थापित होता है, संख्या में एक होता है, और बाकी गुण मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए छोड़ देता हूँ, शेष चर्चा वे करेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।